हेलो गाइस, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी यूनिवर्स पर। आज के इस पहले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साउथ की टॉप 5 माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिल और क्राइम पर बेस्ड मूवी जो आपको एंड तक इंगेज रखने वाली है। ये सभी मूवीज़ यूट्यूब पर ही हिंदी में उपलब्ध है, जिनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इन सभी मूवीज़ को इन्जॉय कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए काउंटडाउन शुरू करते हैं। हमारे काउंटडाउन के नंबर 5 पर आती है साल 2022 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी सरदार। यह तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में इसी नाम से डब किया गया है। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो एक कलंकित जासूस जो पूरे देश में जहरीला पानी फैलाने की योजना बना रही एक संदिग्ध जल कंपनी के लॉन्च को रोकने के लिए एक लंबी अवधि की सजा से लौटता है, लेकिन इस बार उसका सामना अपने ही पुलिस अधिकारी बेटे से होता है। इन सब के दौरान उनके बीच क्या कुछ घटनाएं होती है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें मूवी की रेटिंग की, तो IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 92% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। काउंटडाउन के नंबर 4 पर आती है साल 2016 में रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की क्राइम थ्रिलर मूवी रमन राघवन। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो ये एक वास्तविक घटना पर आधारित मूवी है, जहाँ पर रमन ना जो एक साइको किलर है जो आए दिन शहर में कई हत्याओं को अंजाम देता है, वहीं दूसरी ओर उसकी हत्याओं के मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी राघवन को रमन ना ये एहसास कराता है कि वे दोनों कैसे एक जैसे हैं। तो आगे इस कहानी में वो ऐसा क्यों करता है और राघवन कैसे रमन्ना के जैसा है, पूरी कहानी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की रेटिंग की बात करें, तो IMDb ने इस मूवी को 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और 67% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। हमारे काउंटडाउन के नंबर 3 पर आती है साल 2023 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी मूवी DD Returns। ये तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में इसी नाम से डब किया गया। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो कुछ दोस्त जो शहर में छोटी मोटी चोरियां करते हैं, एक दिन वो पुलिस से बचने के लिए पैसे और गहनों से भरा एक बैग भूता बंगले में छिपा देते हैं, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वह बैग वापस लेने जाते हैं तो वहाँ एक अज्ञात शक्ति उन्हें बैग के साथ उस बंगले से बाहर निकलने नहीं देती है और उनके साथ कई मौत के खेल खेलती है। आगे वो लोग किस प्रकार से वहाँ से बाहर निकलते हैं और इन सब के दौरान क्या कुछ घटनाएं उनके साथ होती है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी में आपको काफी कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। बात करें मूवी की रेटिंग की, तो IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और 71% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। हमारे काउंटडाउन के नंबर 2 पर आती है साल 2020 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर मूवी ईसा। ये मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में इसी नाम से डब किया गया है। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो ईसा नामक एक लड़की का भूत अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए एक लड़की के शरीर में प्रवेश करता है जो अपने परिवार के साथ एक हिल स्टेशन पर बनी एक हवेली में रहने आते हैं। तो आगे उसके परिवार के साथ क्या कुछ घटनाएं वहां पर होती है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी कुछ हॉरर सीन के साथ ठीक ठाक है, इसे आप एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। बात करें मूवी की रेटिंग की, IMDb ने इस मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। आज के हमारे इस काउंटडाउन की लास्ट और नंबर 1 पर आती है साल 2021 में रिलीज हुई ड्रामा मूवी वर्तमानम। ये मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में इसी नाम से डब किया गया है। बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा स्टूडेंट फैजा राजनीति संबंध रखने वाले कुछ स्टूडेंट्स से परिचित हो जाता है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक हत्या के मामले में फंस जाता है। इस कारण से उसके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ जाते हैं। तो वो आगे इन सभी परिस्थितियों से किस प्रकार से बाहर निकलता है और उसके साथ क्या कुछ घटनाएं होती है, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी है। मूवी ठीक ठाक है, जिसे आप एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस मूवी की रेटिंग की, तो IMDb ने इस मूवी को 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और 79% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। सो गाइज, ये थी आज के इस पहले वीडियो की कुछ बेहतरीन मूवी, जिनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, ये मूवी अनऑफिशियली अपलोड की जाती है जो कभी भी कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो सकती है। जल्द से जल्द आप इन मूवीज़ को देख लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आपको फिल्में देखना पसंद है तो फिल्मी यूनिवर्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि यहाँ पर मैं सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई मूवीज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।